नमस्कार, आज मैं बात करूंगा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नींद नहीं आना। आज इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ में जो है सबसे बेहतरीन जो चीज़ हेल्प करती है और इसको रिड्यूस करती है वो आपको सुबह और शाम 10-10 15-15 मिनट का ध्यान करना है। और ध्यान करना किस प्रकार से है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, एक एक बॉडी पार्ट्स पे फोकस करना है और उसको शांत करना है। शांत शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सभी बॉडी पार्ट्स पे कंसंट्रेट करना है। सिर से लेके पांव तक एक एक बॉडी पार्ट्स जो है उन पे आपको फोकस करना है और उनको काम डाउन करना है, शांत करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों के अंदर जो आपके विचार है वो पूरी तरह से जो है फिल्टर होके आपके बॉडी के अंदर विचार आने लगेंगे। यानी कि जो पॉजिटिव विचार है, जो अच्छे विचार है, वही आपके अंदर आएंगे और नकारात्मक विचार जो है वो छन जाएगा, वो नहीं आएगा। ये जो है किया हुआ है, मैं खुद जो है 10-15 मिनट का डेली बेसिस पे ध्यान रोज़ डेली करता हूँ शाम को, ठीक है। और कभी कभी सुबह भी करता हूँ। सुबह ओम का उच्चारण में मेरा काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, तो इसलिए मैं सुबह कभी कभी करता हूँ, लेकिन इवनिंग में मेरा शाम का जो है टाइम वो फिक्स है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ध्यान। तो ये तो रही नंबर एक चीज़ जिसे जो कि आपको रोज़ डेली ये करना ही करना है। आप इसे मिस नहीं कर सकते एक भी दिन। अगर मैं एक भी दिन इसको मिस कर दूँ सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो है कोई चीज़ जो है पूरा दिन ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ मिस कर दिया है, ठीक है। होता है ना ऐसे, जैसे कोई चीज़ हम रोज़ करते हैं तो वो एक दिन ना करें तो ऐसे लगता है कि जी आज तो दिन ही ख़राब जा रहा है। तो इस तरह की बात है। सो इसे आपको जो है अपने रूटीन में शामिल कर लेना है 10-15 मिनट। हैप्पी क्रिसमस बेटा। उसके बाद नंबर दूसरी जो चीज़ है, दो अन्य चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको खाने पीने में परिवर्तन करना है। एक जो खाने पीने की चीज़ है वो है देसी गाय का घी। ज़बरदस्त है, कमाल है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जो घी है वो मेरे डाइट में शामिल है, देसी गाय का घी, और हमेशा रहेगा, ठीक है। मैंने जब से इसको खाना शुरू किया है, अद्भुत है, कमाल है, ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। आप ज़रूर अपनी डाइट में इसको शामिल करें। रात के भोजन में कम से कम एक चम्मच आप ज़रूर डाल के खाएं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सोते हुए नींद तो मुझे देखे 5 मिनट के अंदर आ जाती है, ठीक है, लेकिन रात को एक दो बार नींद खुल जाती है, ठीक है, 3-4 बजे। लेकिन जब से मैं घी खा रहा हूँ, देसी गाय का घी, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर एकदम 6-6:30, 7 बजे इस तरह जो है मेरी नींद पूरा जो है पूरी नींद लेके फिर खुलता है, ठीक है। जैसे मैं 11 बजे सोता हूँ, तो अब आप काउंट कर लो कि कितने घंटे मैं लगातार सोता हूँ एकदम रिलैक्स होकर। तो बहुत एकदम कमाल, ज़बरदस्त है, ठीक है। जिसको नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तीनों चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ, घी आपको शामिल करना ही करना है, देसी गाय का घी, ठीक है। हाँ, महंगा ज़रूर मिलेगा, 2500 से 3000 रुपये, बढ़िया आप अच्छी क्वालिटी का खरीदोगे, ठीक है, तो जो है आपको इतने की रेट में मिलेगा, ठीक है। आप पाइया खरीद ले, आधा किलो खरीद ले, आपका आधा किलो खरीद लेंगे तो भी 2 महीने चल जाएगा, ठीक है। सो रेट की चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको देसी गाय का घी खाना ही खाना है। ये तो रही खाने पीने की नंबर एक बात। एक और चीज़ जो आपको डाइट में शामिल करना है, जो आप मिस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, और वो है सैफ्रॉन। जी हाँ, बिल्कुल
नंबर एक की दवाई है ये डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए नंबर एक की दवाई मैं कहता हूँ। इसके ऊपर कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती, साक्षात ईश्वर के द्वारा दिया गया ये दवाई है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड बेनिफिट्स हैं ढेर सारे, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर कोई दवाई हो ही नहीं सकती डिप्रेशन एंग्जाइटी की। इसको आपने शामिल करना ही करना है, सैफ्रोन, सैफ्रोन, ठीक है। नोट कर लो चाहे तो, आप जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सैफ्रोन खाना ही खाना है आपको। थोड़ा सा तो खाना है, बहुत हल्का सा, ठीक है। महंगा है मैं मानता हूँ, लेकिन खाना तो थोड़ा सा ही है, हल्का सा, ठीक है। रात को खा लो, सोने से पहले मुंह में डाल लो हल्का सा, और फिर देखो उसका कमाल। तो खाने पीने की ये दो चीज़ें जो है आपको अपने उसमें शामिल करना है, और एक जो मैंने पहले बताया आपको उसको अपने जो है रूटीन में शामिल करना है। 15-20 मिनट कमाल है, ज़बरदस्त है ध्यान, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको 10 से 5 दिनों के अंदर ही पूरा रिजल्ट इसका मिलेगा, ठीक है। विचार छन के आने लगते हैं जी, विचार छन के आने लगते हैं, ठीक है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखिए, ये वीडियोस मैं फेसबुक पे इससे पहले किया करता था, तो विचार मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। जब से मैंने वो ध्यान लगाना शुरू किया, फोकट का विचार आता ही नहीं है अब, फालतू का विचार ही नहीं, बिल्कुल छन के आता। मैं तो कई बार परेशान हो जाता था उस टाइम पे, लेकिन आज एकदम रिलैक्स हूँ, बढ़िया हूँ, और रोज़ वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है, और परेशान भी नहीं हूँ। तो ये सब ध्यान का कमाल है जी, ठीक है, ध्यान का है। तो आप लोग करें, आपको भी बेनिफिट्स होगा, ठीक है। अब छन के ही विचार आते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे फोकट के विचार परेशान करते रहते। तो अब बिल्कुल रिलैक्स हूँ मैं। सो आपको ये चीज़ जो है अपने जो है रूटीन में शामिल करना है, और दो चीज़ें जो मैंने खाने पीने का आपको बताया है उसको जो है आपको करना ही करना है शामिल अपने डाइट में, ठीक है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन देखो ज़िंदगी से ऊपर नहीं है कोई भी चीज़। सो उन दो चीज़ों को आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, और इसमें जो है आपको भोजन जो है वो सात्विक ही रखना है टोटली, ठीक है। नॉनवेज खाएंगे तो 100% जो है अनेकों प्रकार के विचार आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो डाइट को कर रहे हैं, उनको तो पता है, ठीक है, वो तो बेहतरीन डाइट कर रहे हैं। जो लोग कोई नया अगर इस चैनल पे आ रहा है तो मैं उनको बता दूं कि नॉनवेज की आइटम्स बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी या नींद की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, मैं आपको ये पहले बता दूं। नॉनवेज आइटम्स खासकर भोजन आपको सात्विक ही करना है, रॉ फूड ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करना है, ठीक है। और जो है बाकी अपनी डाइट में मिलेट्स को भी शामिल करें, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज मैं इसके एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नींद नहीं आने की समस्या में कुछ ना कुछ आपको मैं जो है समझा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।